स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और हम बात करते आए हैं पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने सेंटेंस से शुरू किया था, अगर आप पिछले वीडियोस देख लें उसमें हमने पार्ट्स दो पार्ट उसके पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज सब्जेक्ट एंड देन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के टू पार्ट हमने पढ़े, नाउन एंड प्रोनाउन, और बाकी जो प्रेडिकेट वाले पार्ट्स थे उनके बहुत सारे वीडियोस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो वीडियो था जो अभी तक हमने जारी नहीं किया वो है प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आमतौर पर जो प्रोनाउन के यूजेस हैं उसमें कहीं बहुत सारी एरर्स या मिस्टेक्स हो रही हैं, इसलिए इस पर हमें टाइम लगाना पड़ेगा। प्रोनाउन को अगर हम सीधा डिफाइन करें, मुझे लगता है डेफिनेशन पर नहीं न जाएं आप, मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। डेफिनेशन सीधा एक सटीक आंसर जिसे हम नाउन के प्लेस पर लगाते हैं। द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन, सिंपल सी डेफिनेशन हम यही यही कहते हैं। अब आप वैसे भी देखें, किसी का मेल का नाम आप ले लेते हैं, मान लीजिए दिनेश, दिनेश की जगह कोई हम वर्ड लगाना चाहें, कोई प्रोनाउन लगाना चाहें तो वो ही है। सिमिलरली यू हैव सीता, सपोज फीमेल है, आप शी लगाते हैं, क्वाइट सिंपल। यहां भी थोड़ी सी कंफ्यूजन कई बार होती है, जैसे मान लीजिए आपके बेबी है, द बेबी, द बेबी क्राइड। अब द बेबी की जगह क्या लगाएं? बेबी तो मेल भी है फीमेल भी है। सिमिलरली देर इज द चाइल्ड, चाइल्ड कैन बी मेल और फीमेल बोथ, इसकी जगह हम क्या लगाएं? और कई बार हम ये भी देखते हैं, मान लीजिए आपके पास द लाइन है, लाइन की जगह हम देखते हैं कि ही प्रोनाउन लगाया होता है, और बेबी ही शी में से क्या लगाए? याद रखें हम इसमें इट लगाते हैं, और चाइल्ड के लिए हम इट लगाते हैं, द बेबी क्राइड, इट क्राइड। द रीजन इज एज अगर 14 ईयर से कम है तब हम इसमें इट का ही यूज करते हैं। तो यहां थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो वो आप इसको दूर कर लें। कई बार द लाइन की जब पूछा भी जाता है, भाई लाइन के लिए हम ही क्यों लगाते हैं, वैसे तो हम इट लगाते हैं। कई बार काउ के लिए भी हम ही शी लगा लेते हैं, ये प्रोमिनेंस की बात है। ध्यान रखें लाइन को जब हम एक किंग के रूप में पेश करते हैं, किंग ऑफ द जंगल, तो वो वहां ही। अगर कहीं हम लाइन के बारे में कोई स्टोरी लिखते हैं और इसको एक वो पर्सोनिफिकेशन करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब एक पर्सन के साथ उसको उसकी कंपैरिजन करना, तो तब भी हम इसको लगाते हैं। एक हीरो की तरह जब हम इसको पेश करते हैं तो हम ये लगाते हैं। तो प्रोनाउंस में सिंपल सी बात, प्रोनाउन क्या है और कहाँ हमें कौन से प्रोनाउन लगाए जाने चाहिए। जहां कंफ्यूजन एरिया थे इसमें थे वो था द बेबी की जगह हम क्या लगाएं, व्हाट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ चाइल्ड, और लाइन के लिए ही कई बार क्यों हम लगाते हैं। सिर्फ लाइन के लिए नहीं, और भी एनिमल है, एलिफेंट के लिए लगा सकते हैं, कोई स्टोरी है और वहां वो एक मेन रोल उसका है। हमें प्रोनाउंस के टाइप्स पर भी बात करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स। हमने पहले भी हम बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं, जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन से हम स्टार्ट करते थे, नंबर टू हम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन की बात, या रेसिप्रोकल भी एक प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात हम करते हैं। देन डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं, और इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात हम करते हैं, और इसी तरह से कोई हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है, हम और भी देखते हैं एम्फेटिक है, देन आप देखते हैं कि एक डेफिनेट प्रोनाउन भी होता है, डेफिनेट है, देन इनडेफिनेट है। तो बहुत सारे जो प्रोनाउन्स है, हम इसमें हम एक इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी, जिसमें हमने समवन, समबड़ी, समथिंग, इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं, सम, नन, वो
उस पर हमने एक वीडियो जारी किया, आप जरूर उसको देखें ताकि आप इसमें मिस्टेक्स ना करें। तो हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन ले रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन सीधा सीधा नाम इसके इसलिए पड़ा क्योंकि द प्रोनाउन इज रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन के साथ इसका संबंध है। और पर्सन में क्या आएगा, कौन से प्रोनाउन आएंगे, आई वी आ सकता है, देन यू आ सकता है, ही शी इट दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं, पर्सन से संबंधित है। आई प्लूरल के लिए, वी सॉरी वी प्लूरल के लिए, आई सिंगुलर के लिए, और यू बोथ के लिए। यू हम बोलते हैं कि यू डू दिस, यू सिट हियर, देन इट इज सिंगल सिंगुलर, और यू का हम प्लूरल में भी यूज करते हैं। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यूज हम करते हैं। ऐसे ही शी इट और दे, दे प्लूरल है, ये सिंगुलर है। आई वी जिसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो है वो जो स्पीकर है, इस वक्त मैं हूं। सेकंड पर्सन जो लिसनर है, जो सुनने वाले हैं आप लोग। थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने यहां बात की थी पीछे हमने देखा कि कहीं हम डॉक्टर के बारे में बात कर, चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहीं थर्ड पर्सन है। ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल में हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन एरिया है वो हम देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पर्सनल जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव के जो केसेस हैं, ध्यान रखें हम पर्सनल प्रोनाउन के केसेस की बात करते हैं, हम फोर केसेस की बात करेंगे। सब्जेक्टिव केस, देन ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों में एक डिफरेंस है, वो भी आपको क्लियर कर देंगे। पहले देखें आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसको हमने सब्जेक्टिव, इसको हम सब्जेक्टिव में लेते हैं। और यू सेकंड पर्सन है, अभी पहले भी कहा ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस इसलिए हम कहते हैं, हमने देखा कि जो भी सब्जेक्ट बनता है, जो भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट में भी नॉन प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट भी नॉन प्रोनाउन से बनता है। जो प्रोनाउन हम सब्जेक्ट में लगाते हैं, द प्रोनाउन विच इज यूज इन सब्जेक्ट इज इट्स सब्जेक्टिव केस, और दैट्स वाई इसका नाम भी सब्जेक्टिव इसीलिए पड़ा क्योंकि सब्जेक्ट से बनता है। और कुछ प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट में लगते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वेरी सिंपल, नाम से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई नो हर, यहां आप देखें आई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। आई ये सब्जेक्टिव है और हर ये ऑब्जेक्टिव है, और हर कहां से बना वो हम यहां देख लेते हैं, शी से बनता है हर, ये इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है। आई का मी ऑब्जेक्टिव, वी का अस, यू का यू ही बनेगा, ध्यान रखेंगे आप, यू का सब्जेक्टिव भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है। एक एग्जांपल देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे इसमें है। यू आर माय फ्रेंड, जो भी आप लिखते हैं यू को हम सब्जेक्ट के रूप में इसमें यूज कर रहे हैं। और ही नोज यू, वो आपको जानता है, यू है तो ये ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव है लेकिन सब्जेक्ट की तरह ही है, तो इसको हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ही का हिम, शी हर, इट का भी इट ही होता है, ये ध्यान रखेंगे दो चीजें, और दे का देम, ये इसके ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और पोसेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना आपने, जो पोसेसिव है आई
एक माय भी होता है ना, माय देन माइंड भी होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज माय, ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज माय कुछ हो सकता है, दिस इज माय पेन, इसमें कुछ लगाना पड़ेगा और जो भी आप इसमें यूज करेंगे इट इज नाउन। जो पोसेसिव केस है माय, उसमें नाउन माय के बाद जरूर आएगा, और जो दूसरा पोसेसिव केस माइन है इसमें जरूरत नहीं है। देखिए दिस इज माइन, ये माय और माइन दोनों में डिफरेंस है कि कहां इसके इसमें नाउन इसके बाद जरूर आएगा, वेयर एज इट नीड्स नो नाउन, इसको और नाउन की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो ऐसे पोसेसिव केसेस भी हमारे पास आएंगे, ध्यान रखें। और क्या क्या हो सकता है, वी का, आर, आवर्स, दोनों आप देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंटली हम इसको लास्ट में यूज करते हैं, वेयर एज ये कंप्लीट नहीं बनेगा, इसमें हमें आगे एक नाउन लेना पड़ेगा। यू का योर, योर्स, ऐसे ही हिज, और इसका दूसरा पोसेसिव केस नहीं बनता। रीजन इज क्योंकि जितने भी हम देख रहे हैं तो पोसेसिव केस बड़े माय को छोड़ करके एस लगा लास्ट में, अगर हम इसमें एस लगाएंगे एक और एस तो हिस हिस बन जाएगा, और इसका दैट्स व्हाई इसको हम इस तरह से यूज नहीं करते हैं। तो ही का हिज, ऐसे ही शी का हर, हर्स, वैसे ही इट का इट्स, प्लूरल नहीं है ये ध्यान रखें, इट का इट्स, ऐसे ही दे का देयर, देयर्स, बस ये ध्यान रखना इसमें दोनों में डिफरेंस ये है, इसके बाद जरूर कोई ना कोई हम नाउन लगाते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, वेयर एज ये लगाने से इट नीड्स नो नाउन बिफोर इट या आफ्टर इट। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इसमें जो एक वो रहती है गलती होती है। अब आप देखें यहां रिफ्लेक्सिव केस क्या है, रिफ्लेक्सिव myself, self, self सब में लग जाता है, लेकिन जो प्लूरल है वो आर सेल्फ हो जाएगा, आर एस ई एल वी ई एस, एफ कन्वर्ट हो जाएगा वी ई एस में, योर का योर सेल्फ, और हिज का, ये हिज का नहीं, हम हिम का बनाएंगे यहां से, हिम्स का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का itself, देखा themselves, themselves, ये reflex जो इसके जो cases हैं ये आते हैं। अब हमने इसमें देखना कि कहां error हो रही है, ये बहुत clear है, subjective नाम, कई बार subjective को nominative भी कहते हैं, बात एक ही है, और objective, object में use होता है, ये subject में use होता है, ये object में use होगा, ये ध्यान रखेंगे। और कोई भी sentence है उसका जो structure है वो SVO, subject, verb, object, तो ऑब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और पोसेसिव केसेस में आपने ध्यान रखना क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज जो फर्स्ट वाला केस है माय, आर, योर, हिज, ये अपने साथ जरूर नाउन लेगा, जबकि ये नाउन लेने की इसको जरूरत नहीं होती, ये कंप्लीट है। अब हम रिफ्लेक्सिव केस और एम्फेटिक में डिफरेंस देखेंगे, ये रिफ्लेक्सिव भी है एम्फेटिक भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो हम लेते हैं। देखें इसमें आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मिनिस्टर, मैंने अपने आप को मंत्री से अपना परिचय करवाया, इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो माई सेल्फ है एक तो ध्यान रखें ये अपने का ही होता है, आई का माई सेल्फ ही आपको लगाना पड़ेगा, हिमसेल्फ नहीं हो सकता यहां, सेल्फ नहीं करेंगे आप, हर सेल्फ नहीं हो सकता, आई माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव केस है।
सेकंड सेंटेंस इज सेम सेंटेंस को हमने इस तरह से लिखा, आई माई सेल्फ इंट्रोड्यूस टू द मिनिस्टर. यहां बल पड़ रहा है, एम्फेटिक का मतलब एम्फेसिस पड़ रहा है, तो यहां एम्फेटिक होगा जबकि यहां रिफ्लेक्सिव हो. अंत डिफरेंस क्या है, यहां जो ये मायसेल्फ है जो रिफ्लेक्सिव केस है वो आता है वर्ब के बाद, जबकि जो एम्फेटिव केस है वो वर्ब से पहले, इंट्रोड्यूस वर्ब से पहले. और जो भी ये जो रिफ्लेक्सिव केस है उसके लिए कुछ वर्ड्स भी और हैं, उनको आप सर्च कर लें. एवेल्ड है वर्ड, एडेप्टेड है, एंजॉयड है, डिसगाइज्ड है, हर्ट है वर्ड, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आप रिफ्लेक्सिव केसेस को लगाते हैं. आई अवेल्ड माई सेल्फ द हॉलीडेज. Adapted the elephant himself adapted the environment. The camel himself adapted the desert climate. तो इस तरह से ये enjoyed हम बड़ा सिंपल है. I enjoyed the party और I myself enjoyed the party दोनों में difference है. तो इस तरह से disguised word है, इनको आप ले सकते हैं. तो एक हम और देखते हैं जहां गलती हो रही है वो. डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस देख रहे हैं, आमतौर पर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इस तरह की एरर ही पूछी जा रही है. आप इसको ध्यान से देखें. ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी. एंड गेव द सेम, और उसी बुक को दे दिया द सेम को टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर के लिए. अब इसमें देखें क्या गलतियां हैं. वैसे तो लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, he bought a book and gave the same to the to her sister, ऐसा लग रहा है. पहली गलती तो हर है, to her sister नहीं होगा, he his sister, simple लग रही है अब, जबकि major है. यहां देखें, he bought a book and gave the same कौन, the same नहीं होगा ना, a book noun है, इसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, pronoun, जबकि ये द सेम प्रोनाउन नहीं है, बुक की जगह इट लगता है, तो यहां इट होना चाहिए था. तो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, ही बॉट अ बुक एंड गेव इट टू हिज सिस्टर. तो ये छोटी छोटी गलतियां, इसी तरह की आमतौर के तौर पर जो एरर्स आती हैं वो यहां लाइन देख रहे हो, यहां कहीं एरर है, यहां कहीं एरर है, देखो तो ऐसे फाइंड करके आपको क्लियर हो जाएगा. उम्मीद है कि जो पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में आपको ठीक जानकारी मिल गई होगी और आप समझ गए होंगे. और बारी बारी से हम अगले वीडियो में अगले नाउन्स लेने वाले हैं. थैंक्स.